हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। माय सेल्फ सौरव गौतम। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा था इस चैप्टर का। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम द बिगिनिंग। केमिकल बॉन्डिंग में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents together in different chemical species is called as the chemical bond. Okay, जैसे for example water के केस में there is two hydrogen and one oxygen molecule. Okay, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको attract करके रख रही है, दो hydrogen और एक oxygen के atom को कौन सी चीज है जो इनको बांध के रख रही है, वो जो attractive force है उसको आप क्या बोलोगे, chemical bond. Okay, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्ड। उसके बाद बारी आती है व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स कंबाइन ही क्यों होते हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को जोड़ के वाटर बनाने की जरूरत ही क्या पड़ गई। ओके, उसके लिए आपके पास आता है ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स। अपने रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स को कंप्लीट करने के लिए दे कंबाइन। ओके, अब माय मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। जैसे जो सोडियम, जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 2 8 7 है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ओके क्लियर, तो उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन करने पे ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर्गन जैसी होगी क्योंकि आर्गन की 2 8 8 होती है। एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू अटेन नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो क्लोरीन को एक एक्स्ट्रा एटम चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा एटम नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट दी इट्स ऑक्टेट। सो दैट्स व्हाई इट इट विल सर्च फॉर दी इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट रिएक्ट्स। ओके, तो इसलिए कंबाइनिंग होती है। फिर बट कईयों के केस में डुप्लेट भी कंप्लीट करना होता है, जैसे जो छोटे एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में हम फर्स्ट शेल तक ही बात कर रहे हैं और करते हैं और हमें पता है फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन्होंने अपना अगर डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्लियर, तो एवरी एलिमेंट वॉन्ट टू अटेन नियरेस्ट नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ओके, बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट और यू कैन से देयर डुप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। ओके, सो दैट्स वाई दे कंबाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्टेट रूल। और कंबाइन करने के लिए या ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो तरीके हो सकते हैं, मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज आयोनिक एंड सेकेंड वन इज कोवलेंट। ओके, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसके केस में क्या होता है, देर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स टू अनदर एटम। ओके, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये क्या कहता है, ये कहता है 7 एक्स्ट्रा लेने से अच्छा मैं 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी छोड़ दूं, उससे क्या होगा उसका अंदर वाला शेल जो है वो आउटर मोस्ट बन जाएगा, ठीक है, और उसको वो तो फुली फिल्ड ही है, सोडियम का इनर ऑर्बिटल वाला जो इनर ऑर्बिट जो है वो तो फुली फिल्ड ही है, इसलिए उसको अपनी नॉबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा, कौन सी, नियॉन वाली, क्योंकि 2 8 किसकी होती है, नियॉन की। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देगा, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा, लाइक दिस। इसकी भी होगी आउटर मोस्ट, इसकी आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसने लूज किया, इसने गेन किया, और दोनों ऑपोजिट आयन बन गए, ये कटायन बन गया, ये एनायन बन गया, और कटायन और एनायन स्टार्ट अट्रैक्टिंग, ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट करते हैं ना, और ये जो अट्रैक्शन है इसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ऐसे बनता है आपका आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है +2 बनता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 बनता है, देन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, एंड दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, when the shared electrons are contributed by two
कंबाइनिंग एटम्स इक्वली। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ए और बी के बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, दे फॉर्म, दे स्टार्ट शेयरिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इसके आउट ऑक्टेट में भी काउंट होंगे, इसके ऑक्टेट में भी काउंट होंगे दोनों। क्लियर? सो दैट इज सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसमें जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड के केस में जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द टू एटम्स इक्वली, दोनों एटम्स इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ए और बी के बीच में जो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर ए और बी ने डबल बॉन्ड बनाना है आपस में तो चार इलेक्ट्रॉन लगेंगे। वन बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, वन कोवलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, इट मींस दो इसने डाले हैं, दो इसने डाले हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होती है इन केस ऑफ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर तो होते हैं, बट जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक को ही बिलोंग, वो जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों, वो सारे एक को ही बिलोंग करते हैं, दूसरे वाला कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। वेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड एंटायरली बाय वन ऑफ द एटम्स बट शेयर्ड बाय द बोथ इज नोन एज डेटिव बॉन्ड ऑल्सो, इट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ए के दोनों इलेक्ट्रॉन है, बी के कुछ नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा, बट जब ये बॉन्ड बना रहे हैं तो ए और बी दोनों आपस में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके लिए, इसके ऑक्टेट में भी काउंट हो रहे हैं, इसके ऑक्टेट में भी काउंट हो रहे हैं। ओके, क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज द डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और यू कैन से डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो केमिकल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के पास के उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो आयनिक बॉन्ड के लिए जा सकते हैं, अगर लूजिंग और गेनिंग करते हैं तो आयनिक बॉन्ड के लिए चले जाएंगे, अगर वो शेयरिंग करवा लें देन दे विल फॉलो द कोवलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग करवाने से बात बन रही है देन दे विल प्रेफर कोवलेंट बॉन्ड, अगर लूजिंग और गेनिंग करवाने के लिए बात बन रही है देन दे विल प्रेफर आयनिक बॉन्ड। नाउ अब हम बारी बारी से देखेंगे इन दोनों को, डिटेल वाइज स्टडी करेंगे कि कैसे ये बनते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको बनने में हेल्प करते हैं, कब आयनिक बॉन्ड बनेगा और कब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ओके, देखो लेट अस से देयर इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ए बी। ओके, एक बार और याद रखना, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, जैसे NaCl का फॉर्मूला, NaCl तो जरूर लिख देते हैं हम, बट दैट इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होते हैं, ना कि Na एटम और Cl एटम। तो इसके इनके दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसे बना होगा? ए और बी जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया, ए के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट्स इनर ऑक्टेट आउटवर्ड सो दैट वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही निकाल दे। जैसे सोडियम है 281, ये इसकी कॉन्फिग्रेशन है। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम के केस में 281 ये होती है ना कॉन्फिग्रेशन। क्लियर? तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाल देता है, इससे क्या होता है ये शेल ही नहीं रहता और अंदर वाला शेल इज बिकम आउटर मोस्ट शेल। सो दैट्स वाई उस टाइम क्या बोला जाता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? सो सिमिलरली इसके केस में क्या किया है, जो आपके पास ए बी फॉर्म हुआ है, ए बी कैसे फॉर्म हुआ है, ए ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एंड इट बिकम ए पॉजिटिव आयन। और इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ा, क्योंकि ए विल बी द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, वही एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजिली छोड़ सकता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी हो। और सिमिलरली बी गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम बी नेगेटिव, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी बींग द इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, आयनिक कंपाउंड तभी बन सकते हैं जब दोनों में से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव हो। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और वही इलेक्ट्रॉन बी ने पकड़ा एंड इट बिकम एन आयन, और ए छोड़ने के बाद बन गया कैटायन एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, Na ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, Cl ने पकड़ा, Na बिकम Na पॉजिटिव एंड Cl बिकम Cl नेगेटिव एंड दे बिकम ऑपोजिट आयंस एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। ओके, सिमिलरली MgBr2 कैसे बनता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और दोनों ब्रोमीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन देता है इसको, मैग्नीशियम दूसरे इलेक्ट्रॉन देता है इसको एंड इट बिकम Mg+2 इटसेल्फ एंड दोनों को Br नेगेटिव आयन बना दिया। तो ये प्लस और ये नेगेटिव, तो दी स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर लाइक दिस, तो ऐसे MgBr2 की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके,
सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्या कैसे होती है, कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैल्शियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन को दे दिए, इट बिकम Ca+2 एंड इट बिकम O2-। ओके क्लियर। उससे क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज बन गए, और जब ये ऑपोजिट चार्ज बन गए देन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके क्लियर। तो ऐसे बनते हैं आपके पास इलेक्ट्रोवेलेंट और यू कैन से आयनिक बॉन्ड। उसके बाद इलेक्ट्रोवेलेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंसी। जैसे कैल्शियम ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाते टाइम दो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं ना, क्लियर, तो इट मीन्स कैल्शियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इसकी भी इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या हुई, 2। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हो रहे हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट लिंकेज, इट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। जैसे कैल्शियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी 2 है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन की भी 2 है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम की 2 है इलेक्ट्रोवेलेंसी, दोनों ब्रोमीन की 1-1 है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोवेलेंसी। ओके नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर इन द क्रिस्टल। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अभी दिखाता हूँ, क्लियर, जैसे ये ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। जैसे ये Na पॉजिटिव आयन है, इसके सराउंडिंग में नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, Cl नेगेटिव आयन, कितने Cl नेगेटिव आयन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो रेड डॉट है ये Cl नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लैक डॉट है ये Na पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Na पॉजिटिव आयन के सराउंडिंग में कितने Cl नेगेटिव आयन है जो उससे इमिडिएटली जुड़े हुए हैं, इमिडिएटली बाइंडेड इनडायरेक्टली, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर Na पॉजिटिव आयन। ओके क्लियर। ऑपोजिट चार्ज आयन जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है नियरेस्ट नेबर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। जैसे इस पॉजिटिव के अराउंड में कितने नेगेटिव हैं, 4, इट मीन्स ये पॉजिटिव जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4। सिमिलरली इस नेगेटिव के अराउंड में कितने पॉजिटिव हैं, लेट इट बी लाइक दिस, 5 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस नेगेटिव का, 5। क्लियर, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद आपके पास आता है फैक्टर्स गवर्निंग, वेट, फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं, या मान लो इफेक्ट करेंगे, जो बताएंगे कि आयनिक कंपाउंड बनना है कि नहीं बनना है। 3 फैक्टर हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। ओके ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, किस चैप्टर में पढ़ा है, अभी जो लास्ट गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसेस फेज सो एज टू कन्वर्ट इट इंटू कटायन। उसको कटायन बनाने के लिए गैसेस फेज में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, एक या दो, एक मतलब मिनिमम एक तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए कितनी एनर्जी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेसर दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इजियर द फॉर्मेशन ऑफ कटायन, ग्रेटर चांसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना कोई कटायन इजिली बन सकता होगा, जितना कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी होगी और दूसरे वाले को देने की टेंडेंसी होगी। जितना दूसरे जितना ये इजिली छोड़ेगा, उतनी जल्दी कटायन बनेगा, उतनी जल्दी दूसरे वाला अनायन बनेगा, एंड जब वो दोनों चार्ज बनेंगे तभी तो अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को बाय द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन्स जितनी इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, उतना ही आयनिक बॉन्ड बनने के चांस ज्यादा होंगे। क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जैसे Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान, इस दौरान भी एनर्जी चेंजेस अक्कर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड एटम इन द गैसेस फेज टू फॉर्म अ गैसेस नेगेटिव आयन। जैसे क्लोरीन गैसेस फेज में है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसके बाद उसको सीएल नेगेटिव आयन बनाना, इस दौरान क्या एनर्जी चेंज आ रहा है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है, 348 किलो जल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, उसको ओ नेगेटिव बनाना, उस दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अनायन बनने पे, इट मीन्स उसको अनायन बनाना उतना ही ईजी है, इट मीन्स मोर नेगेटिव द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इजी टू मेक एन आयन, हेंस ग्रेटर द चांस ऑफ आयनिक बॉन्ड।
उतनी ही जल्दी आयनिक बॉन्ड बनने के चांस ज्यादा है। ओके नेक्स्ट आता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं पढ़ी है आपने अभी तक। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द रिक्विजिट नंबर ऑफ गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइंड टू फॉर्म वन मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है ए बी, आयनिक कंपाउंड ए बी है, इसका एक मोल बनाने के लिए आपको एक मोल ऑफ ए बी ए पॉजिटिव आयन चाहिए, एक मोल ऑफ बी नेगेटिव आयन चाहिए। जब ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे देन दे फॉर्म वन मोल ऑफ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयन और सॉरी कंपाउंड। ओके और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने पे बॉन्ड बनाते हैं, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस एनर्जी रिलीज को क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एंथैल्पी। और ये किस में मेजर होती है, ये किलो जूल पर मोल में मेजर होती है। ठीक है सिमिलरली अगर डी एफ टू बनाना है तो उसके लिए दो मोल, एक मोल ऑफ डी टू नेगेटिव आयन चाहिए और दो मोल ऑफ एफ नेगेटिव आयन चाहिए। जब ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आयन्स आपस में क्लोज आएंगे एक मोल डी एफ टू बनाने के लिए, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी ऑफ डी एफ टू। ओके क्लियर। और ये हमेशा नेगेटिव ही होती है, एनर्जी रिलीज ही होती है, क्योंकि कटायन और अनायन जब भी आएंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे, जो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितनी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हायर हो मतलब उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाए, उतनी ज्यादा एनर्जी निकली है इट मीन्स उतना ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाए। ठीक है जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनाया ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके एंड ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन, उतने ही चांसेस ज्यादा है कि वो जल्दी बनेगा। ओके और लैटिस एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आनी है। ओके एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा है। क्यू वन क्यू टू क्या है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, वैल्यू ऑफ चार्ज इसकी चार्ज और इसकी वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, और डी क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये। ओके क्लियर। मतलब लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर, जितना चार्जेस की वैल्यू ज्यादा होगी और उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अब लैटिस एंथैल्पी को इफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज चार्ज ऑन आयंस साइज ऑफ आयंस, इसी की अकॉर्डिंग हम डील कर रहे हैं ना, क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर। इसी से अब पता लग गया कि हमें दो ही फैक्टर हैं जो लैटिस एंथैल्पी को चेंज कर जो इफेक्ट कर सकते हैं, चार्ज ऑन आयन एंड साइज ऑफ द आयन। ठीक है हेंस द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, चार्ज ऑन आयन, हायर चार्ज ऑन द आयंस, जितना ज्यादा चार्ज ऑन आयन हायर होगा, ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, हेंस लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जैसे NaCl के केस में क्या था, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन थे, दोनों यूनि यूनिवेलेंट आयन है। यूनि यूनिवेलेंट आयन क्या होते हैं, जिनमें प्लस वन या माइनस वन चार्ज होता है। ओके तो अब इन प्लस वन चार्ज है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुई वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई होगी, क्लियर। तो इसके केस में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, इतनी लैटिस एंथैल्पी है इनकी। बट MgO के केस में क्या है, Mg प्लस टू और O टू नेगेटिव, क्लियर, ज्यादा चार्ज है, क्लियर। तो इनके केस में देखो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कितनी ज्यादा हाई है। ओके मतलब चार्ज और आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। गॉट इट। सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ आयन। आयन का साइज अगर बड़ा होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने पे आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, है ना, यहाँ से। ठीक है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लार्जर द आयंस ग्रेटर इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, लेसर अट्रैक्शन लीड टू द लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कम होगी, उतनी ही लैटिस एंथैल्पी भी कम होगी। जैसे NaCl, Cl आयन छोटा होता है और Na, ये मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन लाइक दिस। ठीक तो इनके बीच में जो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू है वो 758 है, क्लियर। और उसके बाद NaBr, Na और Br बड़ा है साइज में, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू कम है। सिमिलरली लिथियम फ्लोराइड और लिथियम हाइड्राइड के लिए जो आपके पास एंथैल्पी वाला एंथैल्पी है वो देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, साइज डिफरेंट होने से डी चेंज हो रहा है, और डी बढ़ने से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है, क्लियर। तो इट मींस अब आपने पढ़ लिया कि तीन फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते दौरान आपने देखने होते हैं, कौन कौन से तीन फैक्टर, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। ओके आयोनेशन एंथैल्पी मींस उस टाइम तो आपको एनर्जी चाहिए ही होती है, किसी भी एटम को कटायन बनाने के लिए एनर्जी, यू नीड एनर्जी। ओके
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी देनी भी पड़ सकती है। बट हालांकि हम आयनिक कंपाउंड के केस में ऐसे ही एटम्स की डिस्कशन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी रिलीज ही होती है, ओके और लैटिस एंथैल्पी भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो इट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों रिलीज एनर्जी की, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू को बता रहे हैं, अगर इन दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इन दोनों का जो सम है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्लियर, अगर ये इन दोनों की सम ऑफ एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, तभी वो आयनिक बॉन्ड बन पाएगा, क्योंकि तभी कैटायन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे NaCl बनाने के लिए एक तो ये है कि वो कटायन और अनायन बनाए पहले, उसके बाद दोनों जुड़े, जुड़ने पे एनर्जी रिलीज होती है जिसको लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और Na पॉजिटिव, Na को Na पॉजिटिव बनाने के लिए उस दौरान एनर्जी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है कौन कौन सी, लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है जो निकल रही है उसकी ये उसका मैग्नीट्यूड ये है, इन दोनों का सम अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा आए, इट मीन्स जो इसको बनने के लिए एनर्जी चाहिए, NaCl को जो बनने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो तो उसके अंदर से मिल रही है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी की वजह से उसको मिल जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो, इट मीन्स आयनिक बॉन्ड बड़े आराम से बन जाएगा, देन आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ओके क्लियर, तो ये तीन फैक्टर थे जो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को इफेक्ट करते हैं। ओके क्लियर, और आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन ये है, ये कंडीशन नहीं भूलनी है आप लोगों ने, इस कंडीशन को याद रख लो। क्लियर, उसके बाद आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, पहला फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड, ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। कटायन होता है, उसके सराउंडिंग में कई सारे एनायन होते हैं, एनायन होते हैं उनके सराउंडिंग में कई सारे कटायन होते हैं, लाइक दिस। ओके क्लियर, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग बॉन्ड जब भी होता है तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके क्योंकि आयन्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड हेंस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस, ये जो क्रिस्टल लैटिस में बॉन्ड बने हैं उनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए। सॉलिबिलिटी में, दे आर सॉलेबल इन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर विच आर पोलर इन नेचर, पोलर क्या होते हैं वो अभी वैसे बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, इतना समझ लो जैसे ऑक्सीजन और वाटर में ऐसे होता है ना, ठीक, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, क्लियर, तो इनके बीच में ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, दीज आर नॉट प्योर कोवलेंट बॉन्ड, इनमें क्या होता है, इनमें पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेट चार्जेस आ रहे हैं, चार्ज की सेपरेशन है थोड़ी बहुत, ये चार्ज सेपरेशन आ रही है ना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की, दो मॉलिक्यूल जिनमें ऐसा होता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज दी पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हैं दे आर सॉल्युबल इन दी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है, क्लियर, विच आर पोलर इन नेचर, और ऐसे भी होने चाहिए उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से क्या होता है, जैसे मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लो कटायन और अनायन है, ठीक है, जैसे NaCl की बात कर लेते हैं, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है, इन दोनों के बीच में मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर, 81 न्यूटन की, ये दोनों आपस में एक दूसरे को 81 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 81। ओके, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब तुम NaCl को एयर में, एयर में उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, 81 न्यूटन, अगर आप इन दोनों को वाटर में पुट कर दो, NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव को, इन दोनों को एज इट इज उठा के आपने वाटर में को पुट कर दिया है, तो इन दोनों के बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी थी, 81 न्यूटन, तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 81, 1/81 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जानी इनके बीच में, मतलब अब वाटर के अंदर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी, 1 न्यूटन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी 1 न्यूटन, 81 न्यूटन से 1 न्यूटन होगी। ओके, मतलब जितना भी उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे डिवाइड हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
बिटवीन दी चार्जेस विच इज देयर इन केस ऑफ एयर. जब एयर से उस मीडियम में पुट करोगे उतने ही टाइम्स उसकी जो उतने ही वैल्यू से उसको डिवाइड हो जाना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, अट्रैक्शन को जो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ पोलर पोलर मीडियम का. जैसे वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, 81 कई बुक्स में 80 भी लिखते हैं. ओके क्लियर. तो इट मीन्स सॉल्युबल किसमें है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन दी पोलर सॉल्वेंट्स विच आर हैविंग हाई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, जिनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है. ओके और ऐसा होता क्यों है, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट द पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद द आयंस ऑफ द क्रिस्टल्स एंड फर्दर द हाई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कट्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. फर्दर मोर आयंस में कंबाइन विद सॉल्वेंट टू लिबरेट एनर्जी कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी विच इज सफिशियंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस. ओके क्लियर. डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ने क्या किया, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ने इन आयंस को, इन आयंस के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने की कोशिश करी, कम कर दी. ओके और जो उसके बाद आपके पास जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे दिखा सकते हैं ना, उनमें पार्शियल चार्जेस होते हैं. तो होता क्या है, एक बार जब ये सेपरेट होना शुरू हुए आयंस, तो पॉजिटिव आयन जो है Na पॉजिटिव के अराउंड कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे. ऐसे इकट्ठे होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन उसकी तरफ मूव करके बैठा होगा, Na पॉजिटिव आयन की तरफ. उससे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड आ रहा है, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और ये आयन आपस में अट्रैक्ट करना शुरू हो गया. सिमिलरली Cl नेगेटिव आयन के अराउंड ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ओरिएंटेट कर लेंगे. क्लियर. जिसमें पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन की तरफ हो, पॉजिटिव मीन्स ये H पॉजिटिव आयन है जो Cl नेगेटिव आयन की तरफ है. इससे क्या हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन आ रही है, अट्रैक्शन से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी. ओके जब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो आयंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे लाइक दिस. ओके और इनके बीच में बॉन्ड आएगा, बॉन्ड बनेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी लाइक दिस. ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है. ओके क्लियर. और ये जो एनर्जी रिलीज होती है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज हो रही है एनर्जी, ये लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हो, इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को जोड़ के रख रही थी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी टूटने के बाद जब उनका बॉन्ड बना सॉल्वेंट के साथ उस दौरान जो एनर्जी निकली, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई लैटिस एंथैल्पी से देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अब इनके साथ बॉन्ड बना के खुश हैं, वो आपस में क्यों बॉन्ड बनाएंगे फिर. ठीक है. तो उस ऐसे क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड था Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जिसमें ऐसे पड़े थे आपस में, क्लियर, वो सेपरेट, उसमें जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो सेपरेट होके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं. और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या करता है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कट करने में हेल्प कर रहा है. ये कटिंग में हेल्प कौन कर रहा है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. और इन दोनों को दूर दूर ले जाने में कौन इफेक्ट हेल्प कर रहा है, हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मतलब जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करें, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको पकड़ के दूर ले जाएंगे, ये वाले इसको दूर ले जाएंगे, तो दैट्स वाई दे गॉट सेपरेटेड. और सेपरेट हो जाना इसी को तो बोल रहे हैं सॉल्युबल होना. ठीक है. तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स विद हाई डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जिनका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई हो. ओके जैसे कुछ सॉल्वेंट्स का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये लिख रखा है. ठीक है. डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि सेपरेशन में डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हेल्प करता है. उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बारी. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उनके आयन अपनी जगह से हिल नहीं सकते, तो अगर हिल नहीं सकते तो दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते क्योंकि उनमें आयन तो हैं बट आयन कैन नॉट मूव. ओके बट अगर मोल्टन सोल्यूशन स्टेट में लोगे या मोल्टन स्टेट में लोगे, उस टाइम क्या होता है, उनमें आयन भी हैं और आयन मूव भी कर सकते हैं. मतलब सोल्यूशन कंडक्टर बनने के लिए दो कंडीशनें चाहिए, एक तो आयंस होने चाहिए प्लस वो मूवेबल भी होने चाहिए. क्लियर.
ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जब उनका सोल्यूशन लिया हो या उनकी मोल्टन स्टेट ली हो। सॉलिड स्टेट के केस में आयंस तो होते हैं, बट उस टाइम आयंस तो होते हैं बट मूवेबिलिटी नहीं होती, क्लियर। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। ओके, उसके बाद आती है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन आपको पता है दे आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि सिंपल एक्सचेंजिंग होनी होती है। क्लियर, आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि वैसे जो होता है रिएक्शन के दौरान आपको ये इनके बीच में जो बॉन्ड है उनको तो उसके तोड़ उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसको आप डिजोल्व करोगे, डिजोल्व करने के बीच जब आपने इसको वाटर में डिजोल्व किया, इसको भी वाटर में डिजोल्व किया, तो इनके आयंस तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं ड्यू टू देयर सॉलिबिलिटी। ठीक, उसके बाद इन दोनों को आपने इन दोनों के सोल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है, उनमें ऑलरेडी आयंस हैं, तो ऑलरेडी आयंस जो है वो आयंस जो जिस आयन ने जिस कटायन के साथ जिस कटायन ने जिस एनायन के साथ कंबाइन करना है उसने कंबाइन करके फटाफट से प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। क्लियर, आयनिक रिएक्शन क्विक होने का रीजन क्या है, बिकॉज दे देर इज नो बॉन्ड व्हेन दे आर इन डिजॉल्व स्टेट, सो दैट्स व्हाई व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड दे शो इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। So, okay, students, thank you.